बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ ममूना सजाद एंड आज हमने हमारा सेकंड लेक्चर है एफएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स का। हमने आज इसका करना है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स, और हमारा टॉपिक होगा डेफिनेशन एंड एक्सरसाइज 1.1। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने एक डेफिनेशन की थी फंक्शन की एंड हमने उसका एक क्वेश्चन किया था अटैम्प्ट, ठीक है। आज हमने करना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स आर एज फॉलोज। अल्जेब्रिक फंक्शन, इसकी पहली टाइप क्या है? अल्जेब्रिक फंक्शन है। इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। अल्जेब्रिक फंक्शंस आर दोज which are defined by algebraic expressions. We classify algebraic functions R as follows. अब उन्होंने कहा है कि algebraic function ऐसे हैं जिनको हम algebraic expression के तौर पर write कर सकें। हम इसकी further types से इसको पूरे को समझते हैं। हाँ जी, अब हम इसकी first type पढ़ते हैं, polynomial function। A function P of the form, यहाँ पे P क्या है? पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, तो उन्होंने इसके फंक्शन को P से डिफाइन कर दिया, P से शो कर दिया। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसी भी फंक्शन को किसी मर्जी अल्फ़ाबेट से शो कर सकें। यहाँ उन्होंने पॉलिनोमियल और उन्होंने P से शो कर दिया इसके फर्स्ट एलिमेंट से। आगे इसकी ये जनरल फॉर्म बताई गई है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पार एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पार एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू x raised to power n minus 2 up to so on a 2 x raised x square plus a1x, यहाँ पे x की पावर 1 होगी क्योंकि यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी प्लस a, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे इसका मतलब क्या है कि हम जब इसको राइट करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाएगी। टर्म बाय टर्म क्या होगा? पावर डिक्रीज होती जाएगी। तो फॉर ऑल एक्स वेयर कोफिशिएंट ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए टू ए वन ए नो। अब ये जो एक्स के साथ जो यहाँ पे नंबर्स होंगे ना, ये सारे क्या होंगे? ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। उन्होंने इसकी क्या किया? उन्होंने इसका सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया, आर रियल नंबर। अब वो कह रहा है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए नो, ये सारे क्या होंगे? ये रियल नंबर में से लिए जाएंगे, मीन्स ये रियल नंबर होंगे। एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर्स, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। जैसे यहाँ पे n पावर है, n माइनस वन होगी, n माइनस टू होगी, टू वन की सारी पावर्स होंगी, ये क्या होंगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इस कॉल्ड पॉलीनोमियल फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, पी ऑफ एक्स, यानी उन फंक्शन को पी ऑफ एक्स से लिखा बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप इसको एफ ऑफ एक्स भी कह देते, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टू थ्री और टू और ये वन, ये सारे क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट्स हैं। और ये क्या होगा? पावर्स क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं। कोफिशिएंट क्या है? ये सारे रियल नंबर्स हैं। और ये पावर्स क्या हो जाएंगी? डिक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। पहले फोर थी, फिर थ्री, फिर वन, इस तरह टू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि वो डिलीट भी हो सकता है, वो रहेगा पॉलीनोमियल फंक्शन। अब हमारी सेकंड टाइप है लीनियर फंक्शन, कि लीनियर फंक्शन क्या होता है? इफ़ अ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन इज़ वन, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अब वो कहते हैं कि अगर किसी पॉलीनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 होगी तो उसे हम कहेंगे कि ये लीनियर फंक्शन है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री होती है कि हमारे पास जो फंक्शन में जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होगी ना, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, वो क्या होगी? डिग्री शो करेगी। जैसे कि हम इसको चेक कर लेते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 है ना, तो ये हमारा हाईएस्ट टर्म है, यानी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है ये, वो वाली टर्म। तो यहाँ पे इसकी पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्या होगी? डिग्री होगी, यानी इसकी डिग्री 4 है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या इस यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगी? 1 होगी।
तो यहाँ पे अब हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है a और b, क्या a हमारा नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए? बिकॉज अगर हमारा यहाँ पे a हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, a को x से जीरो को x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे पास a नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी a भी हमने एलिमेंट्स कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर से लिए हुए हैं। और ये क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, वन। यानी x की हाइएस्ट पावर क्या है, वन है, तो इसकी डिग्री क्या है, वन होगी इस फंक्शन की। तो ये क्या शो करता है, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई लीनियर फंक्शन की। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। थ्री और फोर क्या है कि रियल नंबर में से चूज़ किए गए हैं एंड ये एक्स की पावर वन क्या शो करते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम होना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब क्या, कैसे डेफिनेशन पर अप्लाई होता है, फॉर एनी सेट एक्स आ फंक्शन आई, आई फॉर आइडेंटिटी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, फंक्शन को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी कि आई इज इक्वल टू आई, आई इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। यानी क्या है, जिस सेट से स्टार्ट किया था उसी सेट पर जाके उसका आंसर आता है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, सेम होना। ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स कि उन्होंने जनरल फॉर्म दे दिया आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब आपको ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, ये सेट्स को शो करते हैं और ये इनमें से स्मॉल एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स और स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को शो कर रहे हैं। आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, हम यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास वही आंसर आता जाएगा कि हम लोग यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू वन पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वन ही आएगा। ये इसका मतलब, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल टू, मैंने x ऐड लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, वन टू थ्री अप टू सो ऑन, इसके एलिमेंट्स होते हैं। मैंने x इज इक्वल टू वन ले लिया, मैंने इसमें पुट किया x की वैल्यू वन, तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया, वही आ गया। ठीक है, ये आइडेंटिकल को शो करता है, क्या हुआ कि ये आइडेंटिकल फंक्शन है। अब ज़रूरी नहीं कि हमने वैल्यू वन ही लेनी है। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट में फ़र्क होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, आइडेंटिटी का मतलब सेम होता है। तो हम कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, मैं यहाँ पे x इक्वल टू भी ले सकती हूँ, तो यहाँ टू पुट करूँगी यहाँ पर टू आ जाएगा। मीन्स कि मैं जो भी वैल्यू पुट करूँ मेरे पास आंसर वही आएगा, वही वैल्यू मेरे पास आंसर में गेन होगी। आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कॉन्स्टेंट फंक्शन। लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। x एंड y कोई भी हमने सेट्स ले लिए रियल नंबर्स के, दो सेट्स। अब फंक्शन c, अब यहाँ पे c था कॉन्स्टेंट, तो ये फर्स्ट एलिमेंट c था, उन्होंने क्या किया, फंक्शन x टू c था फंक्शन फ्रॉम x टू y ले लिया, डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्या है, ये जनरल फॉर्म दे दिया, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई। अब वो कहता है कि हम एक्स कोई भी एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन आना चाहिए। मीन्स क्या है कि हम लोग चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें हमारे पास सेम नहीं हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सेम एलिमेंट हो। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल है एक कि सी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, या रियल नंबर से लेकर रियल नंबर्स तक मैंने क्या है, एक फंक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे मैं रियल नंबर से, यानी सेट एक्स यहाँ पे बिलोंग करता है ना, इस जगह पे होता है, तो मैं एक्स में से कोई एलिमेंट ले लूँगी, मैं यहाँ पे पुट करूँगी। अगर यहाँ पे कोई जनरल फॉर्म हो, कोई इक्वेशन हो, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, एक्स की मैं वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कोई भी आंसर आता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो x की वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर भी वही वैल्यू है, हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट आंसर गेन करेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन में। हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक कॉन्स्टेंट आंसर आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे इसकी फर्दर टाइप पढ़नी है अलजेब्रिक फंक्शन की, जो कि है रेशनल फंक्शन। अब फंक्शन आर एक्स आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। आर एक्स उन्होंने यहाँ पे लिया है बिकॉज इन्होंने रेशनल फंक्शन था, इसको आर से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। हम एफ ऑफ एक्स से भी कर सकते हैं, किसी और
अल्फ़ाबेट से भी इसको फंक्शन शो कर सकते हैं. वेयर बोथ पी एक्स पी पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलीनोमियल्स. हम लोग अल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे रेशनल फंक्शन को भी एज अ पॉलीनोमियल रिप्रेजेंट कर लिया. तो उन्होंने कहा है कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या होंगे, पॉलीनोमियल्स होंगे एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. क्यू ऑफ एक्स उन्होंने कहा कि नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना है. क्यों ऐसे कहा है? सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि क्यू ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या पी ऑफ एक्स ओवर ज़ीरो आ जाएगा एंड समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास तो आंसर डिफाइन हो जाएगा. इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. ये उन्होंने मेन कंडीशन बताई है रेशनल फंक्शन की. इसका रेशनल फंक्शन और जनरली इसका लिखते कैसे, आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स. अब मैंने आपको एग्जांपल बतानी, आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन. ये किसी भी टाइप के पॉलीनोमियल्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो. तो मैंने ऊपर भी पी ऑफ एक्स भी पॉलीनोमियल है एंड क्यू ऑफ एक्स भी पॉलीनोमियल है. जो अपर पे है यानी न्यूमिरेटर पे है वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और जो डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन हो गया. आप इसके क्वेश्चंस करे हैं एक्सरसाइज के. पिछले लेक्चर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन करवाया था, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर टू और थ्री करवाऊंगी. अब एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर. अब मैंने इस इक्वेशन को मैंने क्या कह दिया, वन कह दिया, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया. इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन. इसको सॉल्व करते हैं. एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन तो अब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक्स की एक वैल्यू दी थी ए प्लस एच एंड एक दी हुई है ए. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बारी बारी हमने दोनों पुट करनी है. पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इसी फंक्शन में जो कि हमें क्वेश्चन दिया गया. तो मैंने इसी फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट कर दी है. तो इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे सिक्स एक्स की जगह मैंने ए प्लस एच पुट किया और माइनस नाइन की जगह इसको सिम्प्लीफाई किया तो मेरे पास ये चीज़ बन गई, सिक्स ए प्लस सिक्स एच प्लस नाइन. अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ए भी है तो मैंने एट एक्स इक्वल टू ए इसी मैंने फंक्शन में एक्स की जगह क्या किया, ए पुट कर दिया तो मेरे पास सिक्स ए माइनस नाइन बन गया. मेरे पास ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया एंड एफ ऑफ ए आ गया. इन दोनों को मैंने पुट करना है इक्वेशन वन में, ये वाली इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है ये मैंने यहाँ पे लिख ली. एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह मैंने उसका आंसर लिख देना है, सिक्स ए प्लस सिक्स एच प्लस नाइन. तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन एंड फिर माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए सिक्स ए माइनस नाइन. माइनस नाइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस सिक्स ए प्लस नाइन बन गया ओवर एच. इसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पे सिक्स ए प्लस सिक्स ए एंड माइनस सिक्स ए कैंसिल आउट हो गए एंड माइनस नाइन नाइन एंड प्लस नाइन भी कैंसिल आउट हो गए. तो क्या रह गया, रिमेनिंग क्या है, सिक्स एच ओवर एच और इसको एज और एज से कैंसिल आउट हो गया एंड सिक्स हमारे पास आंसर आ गया. सेम एज हमने नेक्स्ट इसका पार्ट करना है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है. यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू फिर से मैंने बिल्कुल वही वाला प्रोसेस किया, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पुट किया यहाँ पे तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू साइन ए प्लस एच हो गया. सेम एज एट एक्स इक्वल टू ए मैंने एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए बना लिया. फिर मैंने इन दोनों को एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए को इक्वेशन वन में पुट कर दिया जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया साथ. तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह मैंने उसका आंसर साइन ए प्लस एच बनता है एंड माइनस एफ ऑफ ए की जगह साइन ए बनता है ओवर एच आ गया. अब यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला है, ये अपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा हुआ है. तो ये साइन ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ये किसकी इक्वल होता है, टू साइन अल्फ़ा प्लस टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू. ये आपके पास फार्मूला जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में है. तो ये अगर हम पेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा, हमारा अल्फ़ा क्या बनता है ए प्लस एच बनता है एंड साइन ए यानी यहाँ पे जो ए है हमारा बीटा बनता है. अगर हम कंपेयर करें तो इसके रिस्पेक्ट हमारे पास अल्फ़ा भी आता है बीटा भी आता है
हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास ये फॉर्म बन रही है साइन माइनस साइन वाली फॉर्म, जो कि यहाँ भी बन रही है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या है, टू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, टू कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा क्या था, ए प्लस एच प्लस बीटा यानी ए डिवाइड बाई टू, वैल्यूज पुट कर दी, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट टू ओवर एच को मैंने साइड पे कर लिया, कोस टू ए ए प्लस ए टू ए प्लस एच ओवर टू, यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है। और यहाँ पे क्या है, ए और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड साइन ए साइन एच ओवर टू बन जाता है हमारे पास। अब हम यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर सकती हूँ, टू ओवर टू टू ए ओवर टू में से टू का टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी, टू ओवर एच कोस ए प्लस एच बाई टू और साइन एच बाई। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर टू के थर्ड और फोर्थ पार्ट वो आप खुद से करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन तो सिंपल है और तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री करवाती हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का, द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब उन्होंने कहा है जब हमने क्या शो करना है, इसमें क्या एक्सप्रेस करना है कि जो पैरामीटर पी है किसी भी स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर उसके एरिया का फंक्शन है, ये हमने चीज़ शो करनी है, प्रूव करनी है। सोल्यूशन है इसका, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर की हर साइड को मैंने एक्स से शो कर दिया। यहाँ पे फोर साइड्स होती हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर होता क्या है, जिसमें सारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, फोर साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो मैंने हर साइड को मैंने एक्स का नेम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। पैरीमीटर पर अब हमने देखना कि पैरीमीटर और स्क्वायर किसके इक्वल होता है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी पैरीमीटर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी फोर साइड्स को ऐड किया जाता है। तो मैंने चारों साइड्स को ऐड कर दिया, तो ये किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू फोर एक्स। तो हमारे पास क्या निकला है, पैरीमीटर निकला है। अब उन्होंने कहा कि पैरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया का फंक्शन, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर भी चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, मैंने इसका फॉर्मूला ये है कि हम एरिया साइड को साइड से मल्टीप्लाई करें तो निकाल लेते हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आता है। तो साइड हमारे पास एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स के बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला आ गया, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब उन्होंने क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी इक्वेशन में पैरीमीटर और पैरीमीटर की और एरिया होना चाहिए, इसके बाद इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हमारे पास पैरीमीटर के साथ एक्स है, हमने एक्स को ख़त्म करना है। तो एक्स को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से अगर हम करें कि इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों साइड्स पर। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या क्या स्क्वायर रूट ए बन जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई, हम एक्स की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दें, हमने लिखा है पुट इन इक्वेशन वन, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी, पी इज इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसके बाद हमारा बी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, क्या है, किसी भी सर्कल का जो एरिया है उसके सर्कमफेरेंस का फंक्शन है। अब यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल को मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया ओ से, और किसी भी एंड पॉइंट तक उसका रेडियस होता है आर, हम ये बात जानते हैं, और एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है सर्कल के एरिया का। अब मैंने कहा लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, जैसे मैंने वहाँ पे किया है कि मैंने कह दिया कि आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब एरिया किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है सर्कल का, एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू टू पाई आर। अब उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ सर्कल किसका फंक्शन होगा, सर्कमफेरेंस का, यानी हमारे पास जो हमारा रिजल्ट हो उसमें ए होगा, एरिया होगा और सर्कमफेरेंस का सी होगा, इसके अलावा और कोई नहीं, या कॉन्स्टेंट हो सकते हैं लेकिन कोई वेरिएबल नहीं होगा इन दोनों के अलावा।
यहाँ पर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2πr हो गया। अब मेरे एरिया में आर एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे आर को एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने आर को डिलीट करना है, आर को मैंने ख़त्म करना है। तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकालनी है, ये 2πr यहाँ मल्टीप्लायर है सी के साथ जाके डिवाइड हो जाए। तो पुट इन वन, मैंने इस आर की वैल्यू को मैंने इक्वेशन वन में पुट कर दिया है, एज जो कि है एज इक्वल टू 2πr। आर की जगह मैंने ये चीज़ पुट कर दी तो सी का स्केयर बन गया और टू का स्केयर फोर हो गया एंड पाई इसका स्केयर यहाँ पे सी ये चीज़ ये वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पे एक पाई और ये नीचे पाई स्केयर है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे एक पाई हमारे पास रिमेन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि क्या बच गया, सी स्केयर ओवर 4π हो गया, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ए इज़ इक्वल टू सी स्केयर और 4π। तो ये क्या शो करता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ द सर्कल, हमें यही चीज़ चाहिए। अब यहाँ से हमारा सी पार्ट है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस, यानी कोई भी जो क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम फंक्शन होगा एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी क्यूब की जो बेस है उसके एरिया का वो फंक्शन होगा वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको प्रूव करना है कैसे। लेट ईच साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, हमने कहा है कि क्यूब की हर साइड क्या होगी एक्स। मैंने यहाँ पे एक क्यूब ड्रा की है और यहाँ इसकी एक बेस ये है, एक ये और एक ये। मैंने इस यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो एक बेस ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। तो मैंने कहा एक इसकी बेस ये है, एक ये होगी और एक ये होगी। अब मैंने इसको उन्होंने कहा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी क्या है कि तीन साइड्स का को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम हमारे पास बन जाता है। तो ये किसके इक्वल आता है, एक्स क्यूब के इक्वल आता है, तो वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन जाता है। और यहाँ पर आ गया एरिया, अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम किसका फंक्शन होगा, एरिया का। तो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए एंड एरिया चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है एक्स, एक्स या वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे। तो मेरे पास एक्स एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि एक्स की वैल्यू निकालूंगी, एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ए, मैंने स्केयर रूट ले लिया दोनों साइड पर, एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब स्केयर रूट लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ बनती है एज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ए। तो अब मैं x की इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है, v इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ए का होल क्यूब। तो स्केयर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू बार 3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या शो हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। अब हमने इसे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब हम फर्दर इसके कल कुछ डेफिनेशंस करेंगे और एग्जांपल करेंगे। डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।